वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आपको कुकर की रिंग, जो कुकर की हमारी रबर होती है, कई बार आपने देखा होगा कि ढीली हो जाती है। हम काम करते हैं और काम करते करते हम देखते हैं कि कई बार कुकर की साइड में से, रिंग में से पानी निकल रहा है या कुछ मसाले बाहर आ रहे हैं या स्टीम ठीक तरह से नहीं बन पा रही है और स्टीम बाहर निकल रही है। हम तुरंत ही इसे दुकान में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मैं कुछ आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ कि दो चार दिन हम किस तरह से अपना काम चला लें, कि कुकर की रिंग को हम घर पर ही कैसे ठीक कर लें। फिर जब हमें बाद में टाइम मिले तो हम भले बाजार से नई रिंग ले आए, परंतु कुछ दिनों के लिए हम कुकर की रिंग को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरी वो टिप्स देखिए जिसमें मैं आपको कुकर की रिंग को टाइट करना बता रही हूँ। सब्सक्राइब करें शिखास किचन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। कुकर के रबर को टाइट करने के लिए मैं आपको आज कुछ आसान उपाय बता रही हूँ। ये रिंग है, जब भी ऐसा लगे आपको कि कुकर में से साइड में से पानी आ रहा है और स्टीम अच्छी से नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है हमारे कुकर की रिंग खराब होने लगी है। ये देखिए, इतनी सारी मैंने कुकर के सब ढक्कन रखे हैं ये आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हमें कुकर की रिंग को, जो कि लूज पड़ चुकी है और बार बार स्लिप होकर बाहर निकल रही है, उसका मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप कुकर की रिंग लें, हर रिंग में मैं आपको अलग अलग टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने मान लीजिए कुकर रखा और उसमें से स्टीम नहीं बन रही है, तो हम मार्केट जा नहीं सकते कि हम तुरंत बाजार से नई रिंग ले आए। तो इसके लिए जो मेरी पहली टिप्स है, आप रिंग निकालें ढक्कन में से और तुरंत इसे फ्रीजर में रखें। ये कुकर की रिंग है, इसे हमें 3 से 4 मिनट तक के फ्रीजर में रखना है, फ्रीज में नहीं, फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रखने का, यदि आपके पास 4-5 मिनट का टाइम नहीं है तो आप बिल्कुल फ्रीज का ठंडा पानी ले। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मैंने एक बॉटल फ्रीज का ठंडा पानी लिया है और इस तरह से हमें ठंडे पानी से रिंग को धोना है। जैसे ही मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ, ये रिंग हमारी टाइट हो गई, स्टीफ हो गई और अब इससे बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं आएगी। इस तरह से आधा बॉटल हम इसके ऊपर फ्रीज का चिल्ड वाटर डाल दें। तो ये थी मेरी पहली टिप्स, फ्रीजर या फिर आप चिल्ड वाटर ले सकते हैं। जो मेरी दूसरी टिप्स है, जिससे कि कुकर से लीकेज हो रहा है, ये कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 1/2 चम्मच। आपके घर में जो भी तेल हो, खाने वाला जो भी तेल यूज करते हैं, और मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा हमारे कुकर के ढक्कन से इधर से दाल का पानी ऊपर आने लगता है या मसाला, और हमारी गैस भी गंदी होने लग जाती है, इसका मतलब है हमारी रिंग खराब है। उसके लिए भी मैं आपको रिंग को ठीक करने का आसान तरीका बता रही हूँ। ये इस तरह से हम उंगलियों में तेल लेंगे कुकिंग ऑयल और इस तरह से हमें इसे रिंग में लगाना है। ये देखिए, इससे हमारी जो दाल का पीला पानी है या मसाला है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होगा और साथ ही हमारा गैस भी गंदा नहीं होगा। ये देखिए, मैंने पूरी और खासकर अंदर बहुत अच्छे से लगाएं, बाहर लगाने के साथ साथ ये इस तरह से अंदर, ये उंगली के पोरों में आप ऑयल लीजिए, उंगली के पोरों में मैंने ऑयल लिया है और इस तरह से अंदर भी लगाना है हमें, चारों तरफ रिंग में हमें ऑयल लगाना है। इससे भी हम 3-4 बार काम में ले सकते हैं। मेरी अगली टिप्स है, यदि हमारी रिंग है, हमारे जो रबर है कुकर का, वो ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है और बार बार स्लिप होकर बाहर निकलता है, तो घर में सेलो टेप तो सभी के पास होता है। ये देखिए, हम सेलो टेप लेंगे और सेलो टेप से इस तरह से इसे हम कवर करेंगे। ये मैंने निशान के लिए रेड कलर का स्टिकर लगा दिया था ताकि मुझे किनारा अच्छे से मिल सके। अब हमें इस तरह से, देखिए मैं आपको सेलो टेप लगाने का तरीका बता रही हूँ, ताकि हमारी रिंग थोड़ी सी मोटी हो जाए। इस तरह से लगाएं और जितना बड़ा हमें लगाना है, जितना ऐसा लग रहा है हमें, और इसे नाइफ से इस तरह से काटें। ये देखिए, और इस तरह से हम इसे रिंग में लपेटते जाएं और एक बार कुकर के ढक्कन में इसे लगा के देख लें। बिल्कुल इस तरह से हमें टाइट लगाना है। इस प्रोसेस से हम 3 से 4 बार कुकर को चढ़ा सकते हैं, 3-4 दिन तक हम यूज कर सकते हैं और फिर जब आपको टाइम मिले तब आप मार्केट जाइए और नई रिंग लाइए। इमरजेंसी में हम ये काम चला सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अगर रिंग आपकी ज्यादा ढीली है, जैसे कि मैंने एक तरफ ये सेलो टेप लगाया है और ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी ये लूज है, टाइट नहीं हो रही है और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम मार्केट जाएं, तो आप दोनों साइड इस तरह से सेलो टेप लपेट दें। इससे हमारी रिंग जो है वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी और हम अपने इमरजेंसी का काम हम उसी समय कर लेंगे। इस तरफ से, चारों तरफ से अच्छी तरह से लपेटें। अब ये देखिए, इसे आराम से ये फिट हो गई है बिल्कुल टाइटली, कोई भी चीज इसमें लीक नहीं होगी। अब मेरी अगली टिप्स है, ये तो मैंने आपको सेलो टेप की बता दी, कुकिंग ऑयल की बता दी, ठंडे पानी और फ्रीजर की बता दी। अब मेरी अगली टिप्स है, ये रबर बैंड ज्यादातर सभी के घर में होता है, थोड़ा सा मैंने बड़े साइज का रबर बैंड लिया है, ये छोटे भी रखे हैं, बड़े साइज का ले
उसे इस तरह से मैंने कट किया है। ये भी हम 4-5 दिन काम चला सकते हैं, जब हमें टाइम हो तब हम मार्केट में जाएं और आराम से हम फिर नई रिंग ले आएं। परंतु जब तक कि हम बाजार नहीं जा पाते हैं तब तक के लिए हम क्या करें। कुकर ऐसी चीज है जो प्रतिदिन हमारे काम में आती है। ये देखें, इस तरह से मैंने इसे लपेटा है और इस तरह से लपेटने के बाद दोनों छोर को हमें वापस मिलाना है इसे पलट के, और आपस में हमें इसमें एक नॉट लगाना है। ये देखिए, और ये जो एक्स्ट्रा का रबर है उसे मैं कट कर रही हूँ और अब इसे मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये हमारा 4-5 दिन काम हो गया, हमारे कुकर की रिंग बिल्कुल टाइट हो गई है और अब हमें कुकर से बिल्कुल भी ना हमारी दाल बाहर आएगी ना पानी बाहर आएगा और 4-5 दिन हम इससे काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये 4-5 तरीके थे जिससे कि हम घर पर बहुत आसानी से अपनी कुकर की रिंग को ठीक कर सकते हैं, लूज रिंग को टाइट कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, मैं एक आपको टिप्स देना चाहूंगी ताकि हमारे कुकर की रिंग बहुत जल्दी खराब ना हो और बहुत लंबे समय तक के चल सके। इसके लिए जब भी कुकर हमारा गर्म हो रहा है, जब भी इसमें स्टीम बन रही है, कभी भी बीच में से विसिल को ना निकालें, इसकी स्टीम को बाहर ना निकालें, कुकर को हमेशा अपने आप ही ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसकी कुकर का ढक्कन खोलें। इससे हमारी रिंग बहुत लंबे समय तक चलेगी। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो यदि आप लोगों को अच्छे लगते हो, यूजफुल लगते हो, तो उसे करना है आपको लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे दोनों चैनल शिखास किचन और टिप्स थिएटर को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपको वो बहुत यूजफुल लगते हैं तो उसे आप शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।